ये रही टेस्टी टेस्टी चाउमीन जो मैंने बनाई है, और सच में बहुत टेस्टी हो रही है, बहुत। ये देखो मैं आज चाउमीन बनाने जा रही हूँ। अभी तो मैंने एक टाइम की चाउमीन बनाई, अब मैं दोबारा बनाने जाऊंगी। एक बार मैंने चाउमीन बना ली है जो कि ये रही, और आधी ख़त्म भी हो गई है। ये देखो ये सब चाउमीन खा रहे हैं, और पता नहीं फीडबैक देंगे कि नहीं देंगे। अच्छी बनी है, मुंह में इनके मेरे ख्याल से जुबान नहीं है तो ये उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। अब हम बिजी हैं, ये बिजी हैं। ये देखो सब खा रहे हैं, बस यही नहीं खा रही है चाउमीन। सो गाइस अभी मेरी चाउमीन तो बन रही है, लेकिन ये कम स्पाइसी है। अब हम डालेंगे इसमें, पहले तो लहसुन डालेंगे थोड़ा सा, और अदरक डालेंगे जो कि हमने बारीक बारीक काटी हुई है अदरक। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि कम स्पाइसी बनानी है तो कम ही डालेंगे ना। अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को भुनेंगे। थोड़ा सा हमने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च भुनी है। प्याज तो मैंने डाला ही नहीं। यार गाइस, हेलो गाइस, मेरा नाम है रेखा कोहली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। प्याज तो मैंने डाला ही नहीं। प्याज तो डालना ही, प्याज जो डालना बनता है वो तो मैं भूल ही गई। देख रहे हो, ब्लॉग के चक्कर में ना चाउमीन बनाना भूल गई मैं। भाई ब्लॉगिंग करना इतना आसान थोड़ी है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज। तो ये मेरा प्याज भुन रहा है अभी। प्याज भुनने के बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने ऐड कर दिया। ये हमारी शिमला मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी देखो कितनी बारीक बारीक कटी हुई है। अब इसको भी हम थोड़ा सा तेल ना, हाँ तेल कम हो गया था, कोई बात नहीं, इसमें भी तेल कम है, नेक्स्ट टाइम वाले में थोड़ा तेल ज़्यादा और कर दूँगी। चिकना पन नहीं आ रहा था ना। तो गाइस पिछली बार जो चाउमीन बनाई थी, अभी मैंने इससे पहले जो फर्स्ट राउंड था उसमें तेल कम था, और इसमें भी थोड़ा कम है। तो जब मैं दोबारा से स्पाइसी वाला बनाऊंगी उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल ऑयल ऐड करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे चाउमीन, जो हमने चाउमीन को बॉईल करा था। ये हमने डाल दी चाउमीन। गर्म है चाउमीन भाई, हाथ जल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, जैसे कि हमारा नमक हो गया। अरे यार नमक डालेंगे हम। और डालेंगे हम लाल मिर्ची। लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसे कम स्पाइसी बनाना है। इसमें हम डालेंगे अजीनोमोट हल्का सा, क्योंकि ये अजीनोमोट कम इसलिए क्योंकि ये ना पता है आपको हड्डियों को गलाता है अजीनोमोट। ये हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस ही है ना वो क्या था ये, सोया सॉस शायद, सोया सॉस ही है ये। क्या है, विनेगर है ये। अब हम विनेगर डालेंगे। नहीं
चाउमीन रेडी हो गई है, बोले तो कम स्पाइसी, इसमें मिर्च कम है पर टेस्टी हो रही है। मैंने चखा था अभी सच में। ये मेरा हो गया है दूसरा राउंड, अब मैं तीसरा राउंड थर्ड राउंड बनाऊंगी चाउमीन का, जो मेरा स्पाइसी होगा, तो उसको भी मैं आपको आपके सामने बना के दिखाऊंगी। थर्ड फर्स्ट राउंड तो नहीं दिखा पाई, सेकंड राउंड ना पड़ेगा, थर्ड राउंड भी आपको दिखाऊंगी। ओके चलते हैं बनाने के लिए। ये देखो हमारा ना पूरा ये जल गया है, इसको पहले साफ कर लेते हैं कढ़ाई को, उसके बाद हम इसको चाउमीन बनाएंगे। ओके ये मैंने हल्का फुल्का थोड़ा साफ कर दिया कढ़ाई, अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, सबसे पहले हम तेल डालेंगे इसमें। ये कहाँ का है तेल? हमें थोड़ा ज़्यादा से ऐड करना है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चाउमीन बनानी है। कौन सी जगह का है? तो गाइस में भी हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम ट्राई करेंगे एक लहसुन डालकर। ये गरम हो गया है कि नहीं है? और ये गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे लहसुन। इसमें हम डालेंगे पहले लहसुन और डालेंगे हम थोड़े से अदरक। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च, और हम इसमें डालेंगे प्याज, ये मैं डाल दिया प्याज, हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा भुनेगा, अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे। ये मेरा पक मतलब थोड़ा फ्राई हो गया है शिमला मिर्च, अब मैं इसमें ऐड करूँगी पत्ता गोभी। ये मैंने ऐड करा, ये देखो यहाँ ब्लॉग्स ब्लॉग्स वीडियो चल रही है, पीछे ब्लॉग्स देख रहे हैं। ये मैंने ऐड करी पत्ता गोभी, उसे भी थोड़ा सा ही भुनना होता है, ज़्यादा नहीं, जो कि ये भुन चुका है। लुथपुती सी हो गई है सब्ज़ी, मतलब लुथपुती हो गई है तो समझ लो ये पक गया है। अब हम इसमें चाउमीन डालेंगे। बहुत गर्म हो रही है चाउमीन अभी। ये क्या हो रहा है? ये बीच में जो डालते हैं ना।
बहुत है रही ना चौमिन। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मुझे इसमें सामान ऐड करना है जैसे कि हमारा नमक। अब ये है लाल मिर्च, और अब हम डालेंगे इसमें अजीनोमोट। अजीनोमोटो स्वाद बढ़ा देता है चौमिन का। ये है हमारा क्या है, ये सोया सॉस विनेगर, विनेगर है ये, विनेगर सॉरी विनेगर। ये सोया सॉस जो हमारी चौमिन को ब्लैक ब्लैक कर देता है। और ये ब्लैक पेपर, अब हम इसे थोड़ा सा इसको खरोलेंगे, खिलाएंगे थोड़ा सा इसको, मिक्स करेंगे सारे सामान को। तो ये दोनों हाथों से होगा। अभी मेरा एक हाथ फोन में बिजी है तो मैं थोड़ी देर वीडियो को रोक के इसको हिला देती हूँ। ये हमारी चौमिन रेडी हो गई है। ये अब आएगा मजा खाने में। सो गाइस चौमिन चम्मच से ज्यादा हाथ से खाने में मजा है, तो जो कि मैं हाथ से ही खाने वाली हूँ। ये देखो ये लड़की मुझे परेशान कर रही है, ये मैं हाथ से खाऊंगी क्योंकि मुझे हाथ से ही चौमिन अच्छे लगते हैं, चम्मच से नहीं। सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अक्कल है? मैंने बोला था चौमिन हाथ से खाने में ना सच में सीरियसली बहुत मजा है। देखो जैसे मैं हाथ से चौमिन खा रही हूँ और मुझे अच्छा खाने में और भी ज्यादा मजा है। ये रही चौमिन मेरी गोद में, और ये रही मैं कुर्सी में, और ये पागल झिल्ली क्या ही? इसका नाम है, इसका नाम है चौमिन। मैं अभी ये बोलने वाली थी इसका नाम है सरदा। तो गाइस आज आपने देखा कि मैंने चौमिन बनाई, हालांकि टेस्ट का तो मुझे ही पता है कि मैंने कैसी बनाई है, बट मैंने जैसी ही बनाई है मस्त थी। तो ओके बाय बाय, मेरी वीडियो को लाइक करना। सरदा पानी दे बेटा। सो गाइस आज मैंने चौमिन बनाई फर्स्ट टाइम, नहीं फर्स्ट टाइम थोड़ी पहले ही बनाई है।